अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। MA MSc के उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे होंगे। कैसे हुए आप लोगों के पेपर लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आपकी प्रैक्टिकल की वाइवा की रोल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। अगर ना डाउनलोड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें, आप लोगों को आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं रिजल्ट की, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो ये देखें जी, पार्ट वन की डेट शीट 31 अगस्त को आपके पेपर शुरू हुए थे और एंड हुए हैं जी 14 सितंबर को पार्ट वन के। पार्ट टू के 1 सितंबर को शुरू हुए हैं, उसके बाद एंड हुए हैं 23 सितंबर को। थ्योरी के पेपर एंड हो चुके हैं, वाइवा और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो साथ साथ होते रहेंगे, वो काफ़ी टाइम है। किसी के अक्टूबर में है, किसी के नवंबर में है, किसी के दिसंबर में है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। जब आपके थ्योरी के पेपर एंड हो जाते हैं उसके बाद आपके वो पेपर चेक होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के और जो वाइवा होते हैं उनके मार्क्स वो साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं। जब आपका वाइवा और प्रैक्टिकल होता है उसी वक्त नंबर लग जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रिजल्ट की। तो वैसे तो ड्यूरेशन होता है जी 90 डेज का, यानी कि 90 दिन का, लेकिन इस बार इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा अगर हालात वगैरह सारा कुछ ठीक रहा। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि MA MSc नया जो है वो बंद हो चुका था, इसलिए सिर्फ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्ट वन के पेपर्स दिए। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, बहुत कम डेट शीट है, यानी कि 2 3 4 5 दिन में जो वो पेपर आपके हो गए थे। ठीक है, उसके बाद थोड़े पार्ट टू के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे कि जिनका पहले का एडमिशन हुआ था, न्यू तो इस बार एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो इनशाला आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 2-3 माह के अंदर ही अनाउंस कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 माह का टाइम नहीं लगेगा इस बार, क्योंकि इस बार स्टूडेंट की तादाद कम है और रिजल्ट आपका स्टेप बाय स्टेप यानी कि सब्जेक्ट वाइज आएगा। ठीक है, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, तो आप लोग वेट करें इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का जो रिजल्ट है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि नवंबर के एंड तक ना आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी कोई भी अपडेट होगी रिजल्ट के मुतालिक, पेपर चेकिंग के मुतालिक, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेसफुल ग्रेजुएट के ऊपर शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।